दरवाजा बंद कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, मायसेल्फ कुलदीप, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। रिसेंटली आई क्वालिफाइड JRF इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। टुडे आई विल टीच यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले मुझे थोड़ा ये बताओ कि आपने इससे पहले पेपर दिया है नेट का? अच्छा, किसी आपने नहीं दिया? आपने दिया, आप दोनों ने दिया है? अच्छा अच्छा, कितना स्कोर रहा था पेपर वन में? नहीं कम, मतलब 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कितना तो रहा ही होगा? 20-60 थे। ओके, और आपका ICT में कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे आपके? अच्छा, ओके। हाँ, इसकी फुल फॉर्म एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा आती है इसकी। और ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम अब आपका नेट क्वालिफाई नहीं है किसी का, तो फर्स्ट टाइम नेट और JRF के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये यूनिट ऐसी है इसमें से 5 के 5 क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है ना। इसको एक बार रीडिंग दे दिया आपने और समझ लिया, उसके बाद इसमें से 5 के 5 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही DI है, ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन है ना। तो 4 क्वेश्चन तो इसमें रिपीट होते हैं, 4 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन नया आता है वो पता नहीं होता, वो खुद देते हैं, वो कहाँ से देते हैं। और कई बार 5 के 5 भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये स्कोरिंग यूनिट है इन्फॉर्मेशन की। तो इससे पहले आपने कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ लिया है या चल रहा है अभी? चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं। इसको आपको जिस भी टाइम जो क्वेश्चन हो ना उसी टाइम पूछ लेना है ना, जो भी बात समझ में नहीं आए तो उसी टाइम आप वो क्वेश्चन पूछ लेना, ताकि बाद में भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। क्लास के लास्ट में अगर आप पूछोगे, वैसे पूछ सकते हो लास्ट में भी, लेकिन जिस टाइम जो भी क्वेश्चन हो उसी टाइम वो पूछना, ठीक है। तो हम अपनी यूनिट शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी भी वेटेज इक्विवेलेंट ही है, 10 यूनिट है हमारी, तो 5 क्वेश्चन इससे आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ाने के बाद आपके 5 के 5 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हुआ क्या था कि जिस टाइम पे लिमिटेड पॉपुलेशन थी ना थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो कम्युनिकेशन के मीन थे। अगर आप इसको कम्युनिकेशन से अटैच करके देखोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। कम्युनिकेशन क्या था कि कम्युनिकेशन है कि मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर है, मेरा मैसेज आप तक कन्वे हो जाए, वो मीडियम कुछ भी हो। अभी तो बाय एयर बात कर रहे हैं हम, वो टेलीफोन भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है ICT आने के बाद। तो एक टाइम ऐसा था कि जब क्लासरूम कन्वेंशनल मेथड था, तो कन्वेंशनल मेथड में ICT की ज़रूरत नहीं थी। ICT की ज़रूरत कब पड़ी? जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई और हमारा जो मेथड ऑफ डिलीवर, आपको पता होगा हर बार आता है इसमें, एक टर्म आती है आपको पता हो, GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। आपने पढ़ा, हायर एजुकेशन का टॉपिक है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो कितना हायर एजुकेशन में इंडिया का। तो इंडिया का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में 27.1% के अप्रोक्सीमेट है। ये चेंज होता रहता है, 27.2 हो गया होगा या 26 हो गया होगा, इतना ही है। तो आप सोचो कि 100 पीपल है जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, और उसमें से सिर्फ 27 स्टूडेंट ही हायर एजुकेशन में जा पाते। ये इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ सीटी इतनी है मतलब। और ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है ना, ये इस पे क्वेश्चन आता है बहुत बार कि इंडिया का ग्रोस एनरोलमेंट रेशो कितना हायर एजुकेशन में। ये रेशो इसलिए है क्योंकि जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत कम है ही नहीं। और ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशो आप देखोगे, इसमें हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम और इनफॉर्मल, ये इससे वो नहीं हो सकता क्या? थोड़ा होता पेन, ठीक ठीक, लिखा नहीं जा रहा ना। तो दो तरीके की एजुकेशन है, एक तो हमारे पास क्या है फॉर्मल, आपने टीचिंग में पढ़ा हुआ, और एक और है इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल तो क्या है, जो हमारी स्कूल एजुकेशन है, और इनफॉर्मल क्या है, जो हम
होम पे या फैमिली से सीखते हैं जितना भी, ठीक है। और थर्ड है नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। नॉन फॉर्मल में क्या, पूरा डिस्टेंस एजुकेशन है ना। तो आप देखो रेगुलर क्लासेस जो फॉर्मल एजुकेशन प्लस डिस्टेंस एजुकेशन, इन दोनों को मिला के 27% है। अगर हम डिस्टेंस को हटा दे, और ये तो वो है जिनका एनरोलमेंट हुआ है, पास हुए, उसका डाटा नहीं है कोई भी। तो आप देखो कि इंडिया में कितनी कम रीच आई है एजुकेशन की मासिज से, है ना। तो ऐसे टाइम में आईसीटी एक ऐसा मेथड है, ऐसी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम बहुत सारा अपना जो डाटा या इंफॉर्मेशन या एजुकेशन फैसिलिटेट कर सकते हैं स्टूडेंट को। इसीलिए आईसीटी सबसे ज़्यादा बूम कर रहा आज के टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल अनअकैडमी हुआ, बायजूस हुआ, ये क्या, ये भी आईसीटी का ही एग्जांपल है ना। या फिर प्रोजेक्टर्स है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्मार्ट क्लासरूम में कैमरा, ये भी सारे आईसीटी है। लेकिन एक टाइम ऐसा था इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट थे और लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन थे हमें पढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई आईसीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। कई बार मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज करने होते हैं हमें, तो उसमें ये ऑप्शन हो सकता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, और उसके बाद कि हमें मासेज तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, तो उसको लेकर हम आईसीटी पढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस हैबिचुअल होने में इससे। अच्छा, आईसीटी का वो ही है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन को मिला के, मतलब जो आपके पास डाटा है, जैसे मेरे पास कंटेंट है, और कम्युनिकेशन का मेथड, जो कम्युनिकेशन का मेथड हम यूज कर रहे हैं, अभी तो मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हूँ, और तीसरा है टेक्नोलॉजी। हम इन तीनों चीज़ों को जब कंबाइन कर देंगे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के, तो हमारा आईसीटी बनेगा। ठीक है, ये एक एब्रीवेशन टाइप है ना। और कम्युनिकेशन में भी आपने अगर पढ़ा होगा, तो कम्युनिकेशन में तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक जो कम्युनिकेशन के टाइप थे, एक तो था हमारे पास, एक तो है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड है इंटरपर्सनल, और थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन, और फोर्थ है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, जो हम क्लास में लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन का पार्ट है ना। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में तो मैं सेल्फ यूज होऊंगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो टू पीपल होंगे या, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन में दो से ज़्यादा, 10 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसके नंबर पे। और मास कम्युनिकेशन में है जब ऑडियंस एनोनिमस हो, है ना, हेटरोजीनियस पॉपुलेशन हो, हमें पता नहीं है कि वो पॉपुलेशन कैसी है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टली हम यूनिफाइड कम्युनिकेशन करते हैं, हम इंडिविजुअल डिफरेंस भूल जाते हैं मास कम्युनिकेशन में, है ना। जिस तरीके से क्लास में टीचर इंडिविजुअल को ध्यान में रख के टीचिंग नहीं करता, वो पूरी क्लास, इन होल क्लास को ध्यान में रख के करता है ना। तो इसी तरीके से मास कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है, आईसीटी का जो है ना वो मास कम्युनिकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ, सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले तो पब्लिक गैदरिंग ही थी, है ना, पब्लिक गैदरिंग में हम करते थे। उसके बाद हमारे पास मास कम्युनिकेशन के सोर्सेज क्या है, सबसे पहले हमारे पास आया न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके बाद आया रेडियो, ये 1920s में आया पूरी दुनिया में, और उसके बाद आया टेलीविज़न, टेलीविज़न भी 1940s के आसपास आया, इंडिया में 1959 में आया, ठीक है। टेलीविज़न के बाद फिर इंटरनेट आया, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है मास कम्युनिकेशन में, कि किस तरीके से हम न्यूज़पेपर जो सोर्स था कम्युनिकेशन का, वो उसके बाद हमने रेडियो इस्तेमाल किया, फिर टेलीविज़न इस्तेमाल किया, और अभी इंटरनेट के हम जो न्यू एरा डिजिटल है, जो न्यू जर्नलिज्म हम बोलते हैं इसको, या फिर डिजिटल एरा के है, जिसमें हम इंटरनेट में विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, और हम एज ए इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देते हैं। इसमें जो है वो ये कि टारगेट कम्युनिटी क्या है इंडिया में आईटी की, टारगेट कम्युनिटी ये हमें पता है कि भाई 25 ईयर से कम एज के 70% पॉपुलेशन है ना, बहुत सारी यूथ पॉपुलेशन है। ये माना जाता है कि अगले 10 साल तक इंडिया सबसे यूथ पॉपुलेशन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करता है 18 साल से लेके और 32 साल तक के, और हायर एजुकेशन की भी ये एज होती है। आप ग्रेजुएशन से 18 इयर्स में 12th करते हैं मोस्टली, तो उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट,
तो कुल मिला के ये 18 से 32 का एज गैप होता है। इसमें इस इंटरवल में मोस्टली हायर एजुकेशन में बच्चे आते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि बहुत सारी लैंग्वेज अब तो अलग अलग लैंग्वेज में आईसीटी का यूज हो रहा है, कि जैसे गूगल में अलग अलग लैंग्वेज आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद है कि 4 लेवल है इसमें एजुकेशन सिस्टम के इंडिया के। फर्स्ट लेवल तो वो लेवल है कि जो बहुत ही हाईली एलाइट पीपल है, मतलब उनके पास पैसा है, वो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में, अशोका जैसी यूनिवर्सिटी में, या IITs में या IIM में एजुकेशन ले सकते हैं। ये फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। सेकंड लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है कि बच्चे इंटेलिजेंट तो हैं, उनको आता तो है, दे आर कैपेबल टू क्वालिफाई द एंट्रेंस ऑफ IITs, NITs एंड IIM एंड NEET, बट दे हैव नॉट फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनका वीक है, तो वो किस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, है ना। और थर्ड लेवल के जो स्टूडेंट है वो है जो एकेडमिकली भी वीक है और फाइनेंशियली भी वीक है ना, वो इंस्टीट्यूशन में जा ही नहीं पाते, वो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है कि डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ बच्चे क्यों जाते हैं, लेकिन जो इसमें थर्ड कैटेगरी जो लेवल है वो एकेडमिकली और फाइनेंशियली जो पुअर पीपल है वो थर्ड लेवल में इसमें काउंट किया गया। और फोर्थ लेवल क्या है इसमें, इलिटरेट पीपल और पुअर पीपल, जिसकी मतलब पहुंच में ही नहीं है एजुकेशन, तो वो भी तो कंजप्शन करते हैं ना ICT का। जैसे मोबाइल फोन है हमारे पास, वो भी एक ICT का एग्जाम्पल है, जो बिल्कुल पढ़ा नहीं वो भी एंड्रॉयड फोन चला रहा है आजकल, वो भी यूट्यूब चला रहा है, वो व्हाट्सएप चला रहा है, और जितनी भी सोशल मीडिया साइट है या गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, ICT का कंजप्शन करता है। तो ये 4 लेवल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर हम बात करें। इस साइड नहीं आता क्या इसमें, ये बेसिक सा है वैसे, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो अब इसमें हम बात करें कि स्ट्रेंथ क्या है ICT ऑफ एंड लिमिटेशन ऑफ। देखो ICT की स्ट्रेंथ ये दिख रहा है आपको, या जूम करो, तो इसमें स्ट्रेंथ क्या है कि इंडिविजुअलाइजेशन की लर्निंग हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में अभी पढ़ा रहा हूँ और कोई अब्सेंट है, कोई स्टूडेंट अब्सेंट है, तो मिस कर देगा इस लेक्चर को। ये बात अलग है कि ऑनलाइन चल रहा है, मान लिया ऑनलाइन भी नहीं होता और ये रिकॉर्डिंग ना हो, तो जो स्टूडेंट यहाँ नहीं है उसको तो समझ में नहीं आएगा ना। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है ICT की, जो स्ट्रेंथ क्या है इसकी, वो इंडिविजुअल जो लर्निंग कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे हम लेक्चर देखते हैं, हमारा मन करे जहाँ हम उसको पॉज कर देते हैं, दिन में मन करे पढ़ने का तो दिन में पढ़ते हैं, रात को मन करे तो रात को पढ़ते हैं, जिस भी टाइम जिस सेकंड से हम जिस टीचर से पढ़ना चाहिए उस टीचर की हम एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ है ICT की, कि जो क्लासरूम में जो टीचर, सबसे पहले क्या था कि जो क्लास के जो टीचर्स होते हैं वही डोमिनेटिंग उसमें थे, तो जो स्टार्टिंग में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा, जो स्टार्टिंग लर्निंग थी ना वो टीचर सेंटर्ड लर्निंग थी, है ना। तो जो टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है उसमें टीचर एज ए डोमिनेट होता है ना। अगर आपने रिसर्च में पढ़ा होगा तो वेरिएबल्स भी पढ़े होंगे, तो 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टीचर्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्टूडेंट क्या थे, डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जैसे ही ब्लेंडेड लर्निंग का मोड आया तो लर्नर क्या होगा, जो एंड्रागोजी आपने पढ़ी होगी तो उसमें क्या होगा कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग हो गई। तो लर्नर के पर डिपेंड कर रहा है कि ICT के थ्रू वो किस टाइम पढ़ना चाहे, है ना। तो क्या है, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। पैराडाइम समझते हो, पैराडाइम होता है एक ट्रेंड, कि एक टाइम पे टीचिंग यह थी कि उसमें अगर हम हायर एजुकेशन में ज़्यादा एंशियंट की बात करेंगे तो उस टाइम पे तो पूरा ही टीचर डोमिनेटिंग थी, जो हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम थी, जिसको हम कहते हैं, हम गर्व करते हैं हमारी जो है कि कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम बहुत महान थी, लेकिन उसमें लर्नर सेंटर्ड नहीं थी ना वो। आज की जो लर्निंग है वो लर्नर सेंटर्ड है, अगर हम क्लासरूम को छोड़ दिया जाए ICT की बात करें तो। ये समझ में आया कि इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और लर्निंग इसमें किस तरीके से वो है, ठीक है। सेकेंड है इसमें इंटरेक्टिविटी। जैसे ये माना जाता है कि क्लासरूम थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है विद कंपेरिजन टू ऑनलाइन लर्निंग, लेकिन क्लासरूम में भी जैसे बहुत सारी लिमिटेशन होती है। जैसे आपने कम्युनिकेशन में शायद पढ़ा नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं बहुत सारे, साइकोलॉजिकल डिसोनेंस हो जाता है ना, कि बच्चे का मन करता है क्लास में मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ लेकिन वो पूछ नहीं पाता है, तो इस तरीके का डिसोनेंस होता है। कोग्नेटिव डिसोनेंस एक टर्म है जो
मतभेद होता है उसको नॉलेज का मतभेद बोलते हैं, डिसोनेंस, कि मैं पूछना तो चाह रहा था लेकिन मैं क्लास में क्वेश्चन पूछ नहीं पाया टीचर से। वो फियर कुछ भी हो सकता है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसको टीचर से डर लगता है, वो रीजन कुछ भी हो, ठीक है। तो इंटरेक्टिविटी ऑफलाइन क्लासेज में ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में जैसे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पे कमेंट है नीचे, आप जैसे हैंड रेज का ऑप्शन है, तो कुछ लेवल की इंटरेक्टिविटी आ गई है। तो उसमें इंटरेक्टिविटी में ये भी कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे हम रोक को वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिस्टेंस और क्लाइमेट इंटेंसिव। जैसे हमारा जो हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है ज्योग्राफिकली। एक तरफ आप देखोगे कि समुंदर तक बिल्कुल गहराई, और एक तरफ आप देखोगे माउंट एवरेस्ट तक जो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ जो है ना कि आज तक लाइट भी नहीं है बहुत सारे गाँव में, और बहुत जगह आप देखोगे स्कूल्स नहीं है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे हिली एरिया में, या दूसरा रीजन मैं कह लूँ तो गवर्नमेंट की भी इंटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा पब्लिक एजुकेशन पे इन्वेस्ट करे। तो ऐसे टाइम पे जब गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही और ज्योग्राफिकली उसको वो नहीं कर रही, तो जो क्लाइमेट है और डिस्टेंस की वजह से, जैसे आज है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि सर्दी ज़्यादा थी, बच्चे नहीं आए तो लाइव क्लासेज ले रहे हैं, है ना। ये बात अलग है कि उनको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ना, लेकिन वो फैसिलिटेट तो कर रहे हैं ना। तो जो डिस्टेंस पे लोग हैं जिनके पास जिन्होंने स्कूल ही नहीं होते, अगर आप हरियाणा तो बहुत रिच स्टेट है, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे या बिहार में जाओगे या फिर आप उड़ीसा जैसे एरिया में जाओगे तो आप वहाँ देखोगे स्कूल ही नहीं है। मेरा दोस्त था जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो वो 60 किलोमीटर तो दूर कॉलेज में जाता था और 30 किलोमीटर दूर स्कूल में जाता था, उनके आसपास कोई स्कूल नहीं था, है ना। तो ये क्या है कि ये गैप था एक टीचिंग में, तो आईसीटी ने क्या किया उसको फिल किया। कोई कितने भी डिस्टेंस पे हो, कितना इंटेंसिव क्लाइमेट हो, चाहे धुंध हो चाहे बर्फ हो, अगर वहाँ नेटवर्क है तो वहाँ वर्क करेगा, ये स्ट्रेंथ है। मोर इकोनॉमिकल कि जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो वो आपको बहुत बार बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन जो इसमें क्या होता है कि आईसीटी की आपको बहुत कम किया, जैसे मासेज में है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, टेलीविजन ही लगा लो आप, जैसे आप देखते होगे वो बात अलग है कि जैसे यूट्यूब चैनल है कोई तो उस पर कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, वो टीचर तो कितने भी मासेज को फैसिलिटेट कर सकता है ना, उसमें तो कॉस्ट कम आ गई ना, तो ये बहुत इकोनॉमिक पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। और ये मैं क्यों करा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, है ना। आप इस एक से ज़्यादा दो ऑप्शन के जो क्वेश्चन होते हैं, और इस तरीके का ही ट्रेंड है, अगर आप 2004 से 2019 तक के क्वेश्चन देखोगे तो सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, MCQ जिनको बोलते हैं। और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं MSQ, मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है 1, 2, 3 होगा या 1, 2 होगा। तो उसमें मान लिया उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ ICTs, तो आपको 3, 4, 5 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से आपको बताना है। तो इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं टीचिंग के, आपको अलग अलग तरीके से उसमें हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म क्वालिटी होती है, यूनिफॉर्म क्वालिटी अगर आप इसकी लिमिटेशन में पढ़ोगे एक तरीके से ये होता है कि ये सभी को यूनिफॉर्म पढ़ाता है। जैसे ICT डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती ना, क्लास में टीचर डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अच्छा ये बच्चा इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था अब देखते हैं इसको, है ना। तो इस तरीके का डिफरेंस ICT में नहीं मिलेगा आपको, ICT के लिए सब बराबर है, है ना। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे उसने बदतमीजी की हो क्लास में या नहीं की हो, उसने शरारत की हो या आपसे क्वेश्चन पूछा हो, डजंट मैटर, ICT इक्वली ट्रीट करती है, इसलिए यूनिफॉर्म क्वालिटी है। अच्छा, लिमिटेशन क्या है इसमें, इसकी लिमिटेशन इसमें है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना। जैसे ये सेटअप ही देख लो, आपको ये स्मार्ट बोर्ड और ये इसमें लाखों की जो है ना कि इन्वेस्टमेंट हुई है उसके बाद है, है ना। तो इसमें हाई इन्वेस्टमेंट है जब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे कम फोकस करता है। जैसे क्लास में आपको किसी को समझ नहीं आ रहा, मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो टीचर को पता रहता है किस बच्चे का क्या IQ है, उसको किस लेवल पर जाके मैं टीच कर सकता हूँ। लेकिन ICT में क्या होगा कि ये इंडिविजुअल डिफरेंस को नेग्लेक्ट करता है, उसको नहीं पता कोई भी है, वो सब एक जैसा। जैसे रेडियो पे समाचार सुनते हैं, वहाँ तो फीडबैक का सिस्टम भी नहीं होता। आप कम्युनिकेशन में आपको पढ़ाएंगे कि सेंडर होता है और रिसीवर होता है, ठीक है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है
और टू वे कम्युनिकेशन में होता है, जब सेंडर से रिसीवर के पास, रिसीवर से सेंडर के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, तो इसको बोलते हैं फीडबैक, है ना। तो जो फीडबैक सिस्टम है, तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस, रेडियो में तो फीडबैक भी नहीं होता, टेलीविजन न्यूज में नहीं होता, जो आपको कंटेंट मिल रहा है वही आपको देखना है ना। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव है, लेकिन इसकी लिमिटेशन में देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसिडर नहीं करता, एसेसिबिलिटी इश्यूज होता हो जाते हैं। जैसे ओनली रेडियो इंडिया में एक ऐसा मास कम्युनिकेशन का मीन्स है, मतलब चैनल है, जिससे 99% पॉपुलेशन अप्रोक्स को कवर करता है ना। जैसे इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी मन की बात रेडियो से करते हैं, टेलीविजन से क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि टेलीविजन है ना बहुत कम लोगों की रीच में है, रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो जहाँ नेटवर्क भी नहीं होगा वहाँ भी गाँव देहात में जो प्रोन एरियाज है जहाँ कोई रीच नहीं है वहाँ रेडियो जरूर रखते होंगे लोग, तो इसीलिए रेडियो की रीच है। तो एसेसिबिलिटी इश्यूज का मतलब है कि जैसे अभी नेट क्वालिटी ना आए, तो नेट की क्वालिटी नहीं आएगी तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, है ना, उस तरीके से नहीं हो पाती। तो ICT इज बेसिकली डिलीवरी सिस्टम है ना, कि इसमें एक सेंडर होता है, कुछ बहुत सारे रिसीवर होते हैं, वो उसको कंटेंट क्या करते हैं, डिलीवर करते रहते हैं। सेकंड है डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, अब आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने इवेल्युएशन का मेथड पढ़ा होगा, तो उसमें चार तरीके की इवेल्युएशन थी, बताओ कौन कौन सी। नहीं, प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के बाद फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और सबमेटिव, ठीक है। अब इसमें देखो कि जैसे डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, तो ICT में जैसे आप, मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं उनको इवेल्युएट कैसे कर पाऊँगा, जैसे दो तरीके, चार तरीके की इवेल्युएशन होती है। जैसे फॉर्मेटिव, तो जैसे वो होता है कि विद इन कोर्स या विद इन क्लास की आप सीख पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। जैसे मैं अभी भी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कर सकता हूँ कि ये पूछ के कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दूँ जो इससे रिलेटेड हो, आपको उसका आंसर, तो मैं आई कैन डायग्नोज, ठीक है। तो इसमें वो डायग्नोस्टिक सिस्टम नहीं होता, कि वो डायग्नोस्टिक थोड़ा इससे ज़्यादा होती है, कि डायग्नोस्टिक में होता है हम रीजन फाइंड आउट करते हैं कि क्या कारण रहा कि आपको समझ में नहीं आया कुछ, टीचर डायग्नोज करेगा। इसमें ये देखते हैं कि फॉर्मेटिव में सिर्फ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, कि हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या टीचिंग में या नहीं है, ठीक है। और सबमिटिव तो एंड होता है, और प्लेसमेंट जॉब वगैरह एंट्रेंस एग्जाम के। तो इसमें क्या होता है कि इवेल्युएशन में क्या आती है, डिफिकल्टी आती है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है। जैसे बहुत सारी फैकल्टी जो जितने भी प्रीवियस टीचर्स हैं वो टेक्नोलॉजी के लेके बहुत ज़्यादा मतलब उन कम्फर्टेबल नहीं है, तो उनको फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत। आज तो ये सेटअप है, जैसे मैं स्टार्टिंग में आया, मुझे चलाने में इसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद इस पे आया, और हो सकता है मुझे ऑप्शन नहीं पता, तो मुझे एक बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है कि भाई यहाँ से आपको पेन लेना है यहाँ। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है ICT में। और इससे भी ज़्यादा बड़े सेटअप पे जाओगे, जब आप इंटरनेट पे या आप लाइव क्लासेस लोगे, जैसे अनअकैडमी पे लेते हैं, तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अनुसार आपको ट्रेन करना है अपने आपको, तभी जाके आप वो डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट है कॉल फॉर एटीट्यूड, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे तीन डोमेन होते हैं, अगर आपको आपने देखा हो टीचिंग में पढ़ा होगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा होगा, तो तीन डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, और सेकंड होता है अफेक्टिव, और साइकोमोटर, ठीक है। ये तीन डोमेन है ना। अब इसमें क्या होगा कि कॉग्निटिव तो फुलफिलमेंट हो जाएगा ICT से, क्योंकि मैं कोई भी जो टीचर होगा वो कंटेंट तो डिलीवर कर देगा, लेकिन अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी। तो ये लिमिटेशन है, हाँ अफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसमें इमोशंस, फीलिंग या उस तरीके का जो डेवलपमेंट होना हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट। तो सिर्फ जो ICT है ना, इसी डोमेन पे काम करता है बेसिकली, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा कि ऑफलाइन क्लास का कोई अल्टरनेट नहीं होता, है ना, ऑनलाइन क्लास कभी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती ऑफलाइन क्लासेज को, है ना। वो कारण उसके बहुत सारे अलग है, कि कोई टीचर अच्छा पढ़ाए या ना पढ़ाए वो अलग फैक्टर है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज जो है ना कि ऑफलाइन को वो रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। इतना आया समझ में, है ना, जो कुछ नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना उसी टाइम पे।
अब इसमें नेक्स्ट क्या है? हाँ ये इससे क्वेश्चन आता है हर बार। अच्छा ये समझ में आ गया ना, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्टिव ही आएगा इससे आएगा तो, कि स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लेंगे, लिमिटेशन के बारे में पूछ लेंगे, मोर देन वन और टू ऑप्शन उसमें हो जाएगा, है ना। अच्छा ये मैंने शायद आपको नहीं बताया, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन और आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन में होता है कि जैसे कोई सपोर्ट ले ले हम, जैसे पीपीटी पावर पॉइंट के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू हम कोई मूवी दिखा के या ऑडियो के थ्रू आपको टीच करे। और आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन में होता है जो सिर्फ आईसीटी से ही एजुकेशन चलती है, जैसे पूरा अनअकैडमी उनके सारे को आईसीटी से, वो ऑफलाइन नहीं पढ़ाते आपको, उन्होंने सपोर्ट नहीं लिया, पूरा आईसीटी एनेबल्ड लर्निंग है। जैसे बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, है ना, ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे एमडीयू भी कराते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स ऑनलाइन कोर्सेज है ना। ऐसे ही आईआईटीज वगैरह के बहुत सारे, आप जैसे स्वयं हो गया, मैं आगे बताऊंगा आपको, स्वयं हो गया तो ओनली टोटली ऑनलाइन कोर्सेज है, तो टोटली ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होगा, आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन होगी वो, है ना। वैसे ये आपको ना एक बार रीड करना है, आपके पास ये बुक होगी ना पियर्सन, मैं इसीलिए इससे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा कंटेंट है और इससे आपको अच्छे से समझ में आएगी, कोई चीज़ मिस नहीं होगी, है ना। होता तो मैं भी ऐसे कर लेता, इसमें से कुछ डाटा उठवाया अपनी पीडीएफ बना के और आपके सामने पढ़ा देता। अल्टीमेटली मोस्टली टीचर यहाँ से ही डाटा उठाते हैं, इसी बुक से जो भी टीचर है। तो इसमें इसको आप एक बार रीडिंग जरूर देना, है ना, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ समझा दूँगा आपको, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिस इंस्टेंट पे हम आपको समझा रहे हैं वो चीज़ें ना समझ में आए, है ना। तो रीड करने से होता है कि आपका सिलेबस कवर हो जाता है। एक बार रीडिंग लोगे और इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आप करोगे और उसके बाद आपके 19 से 22 तक के क्वेश्चन आप करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे, है ना। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ हाँ केवीएस मैदान ही है ये। ये थर्ड एडिशन है केवीएस मैदान का, आपका सिक्स्थ या फिफ्थ एडिशन होगा। ओ सॉरी, आप सभी हिंदी से दोगे क्या? अच्छा ये तो बाद में पूछने ही भूल गया। आपकी में मिलेगा, हो सकता है कि कुछ कंटेंट नहीं है, हिंदी वाली जो बुक है ना उसमें बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है। आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी, केवीएस मैदान लिख के पीडीएफ लिखो आप गूगल से। वैसे भी मैं भेज दूंगा, सर सर को बोल दूंगा, सर भेज देंगे आपके पास, है ना। ये तो ओपन सोर्स में है गूगल पे, आप इसको वहाँ से ले सकते हो, नहीं तो हम भी भेज देंगे। हाँ आपके कोलीग्स भेज देंगे, जो स्टूडेंट है ना आपके दोस्त, वो भेज देंगे आपको, ठीक है। तो आप अच्छा मैं ऑनलाइन वालों से तो पूछना ही भूल गया, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या मैं ऐसे ही लगा हुआ हूँ? समझ में नहीं आई तो बताना है, ऐसे फायदा क्या होगा, आप जो नहीं घर बैठ के पढ़ रहे हो और हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। वैसे मैं ऑफलाइन ही आती हूं, मेरी तबीयत खराब चल रही है आज। ओके ओके ठीक है ठीक है। और बाकी भी है क्या, बाकी बच्चे चले गए? अरे सर तभी बीच बीच में क्वेश्चन पूछो आप, आपने फीस दी है क्वेश्चन पूछने के लिए तो दी होगी। मैं सारे पीवाई के कराऊंगा आपको, आप गलत नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब अच्छा नहीं पढ़ाया, डाउट ही नहीं है, ठीक है। इसमें अब आप देखो कि मैं सारी यूनिट को ना कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है कि किसी यूनिट से कोई क्वेश्चन आएगा ना तो वो आपको अच्छा, कोई भी है ना आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइम जाना हो चले जाया करो, तो पूछा मत करो। तो इसमें क्या है कि सभी यूनिट के क्वेश्चन कनेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले आप टीचिंग पढ़ो, फिर रिसर्च, फिर कम्युनिकेशन, वो इसीलिए तो पहले दिया है ना टीचिंग, नहीं तो बुक वाला लास्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड दे सकते। अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर वन की फर्स्ट यूनिट है, मुझे तो बताया गया था टीचर और रिसर्चर कम्युनिकेशन हो चुके हैं। कोई नहीं चलो, बाकी पहले टीचिंग होनी चाहिए, फिर रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद कम्युनिकेशन। मैं कम्युनिकेशन बता तो रहा हूँ आपको, तो मैं आईसीटी से कनेक्ट करके बता रहा हूँ ना, बिना कम्युनिकेशन के तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कम्युनिकेशन ही तो मैटर करता है। तो चलो कोई नहीं, आप देख लेना, वो आप सर से बात कर लेना,
ठीक है। तो इसमें अब है दो तरीके के मीडिया होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, है ना। सिंक्रोनस मीडिया होता है कि जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन वाले, ये सिंक्रोनाइज हो रहा है, लाइव जो क्लासेस चलती है उसको सिंक्रोनाइज मीडिया बोलते हैं, है ना। दो तरीके के मीडिया होते हैं, सिंक्रोनस मीडिया और नॉन सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस मीडिया। एसिंक्रोनस मीडिया ऑफलाइन क्लासेस, जैसे हमारा बुक हुआ, जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ बाद में, कोई यूट्यूब पे देख लिया, कहीं देख लिया, वो एसिंक्रोनस मीडिया होता है। सिंक्रोनस मीडिया होता है जो लाइव होता है, जो लाइव चलता है, उसको सिंक्रोनस मीडिया बोलते हैं, है ना। इसमें लिखा भी होगा कहीं, तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मीडिया, तो ये दो तरीके के मीडिया होते हैं, है ना। तो रियल टाइम का फील होता है इसमें आपको, रियल टाइम पे जो यहाँ चल रहा है वही वहीं प्रेजेंट हो रहा है, हाँ वो सिंक्रोनस मीडिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आया समझ में, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, ये कम्युनिकेशन के रूल है। कम्युनिकेशन आपने पढ़ा नहीं है शायद, है ना। मैं थोड़ा बता देता हूँ, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो कम्युनिकेशन में होता है, यहीं से बता देता हूँ क्या होगा, नहीं बोल लो, ठीक है। जैसे इसमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन का मैं बस 5 मिनट में प्रोसेस प्रोसेस बता देता हूँ, तभी क्या आपको समझने में दिक्कत ना हो। कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है ना। ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं होता जिसमें रिसीवर ना हो, है होता है। इंट्रापर्सनल क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि सेल्फ रिसीवर होता है, हाँ ठीक है। तो वो एक एक्सेप्शन है ऐसे कम्युनिकेशन की जिसमें दूसरे रिसीवर की जरूरत नहीं, वो सेल्फ होता है। जैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, आत्मनिरीक्षण जिसको बोलते हैं, मन मन में बात करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन जो होता है कि इंट्रापर्सनल होता है, उसको छोड़कर बाकी सेंडर के अलावा कोई ना कोई रिसीवर मिलेगा आपको। जैसे मैं हूँ, मैं सेंडर हूँ, आप क्या हो, रिसीवर हो। एक टाइम पे आप बोल रहे हो तो आप क्या हो, सेंडर हो, और मैं क्या हूँ, रिसीवर हूँ। तो ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन की, उसमें एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। और कम्युनिकेशन ऑलवेज क्या होता है, परसुएसिव होना चाहिए। परसुएसिव समझते हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया, उस कम्युनिकेशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग फिलोसफरों ने, कम्युनिकेशन थ्योरेटिशियनों ने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी है। दुनिया में सबसे पहले दी है एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि, एरिस्टोटल ने कहा कि एक स्पीकर होता है, उसके बाद स्पीच होती है। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, कोई ओकेजन होता है ना, और ऑडियंस होती है, और उसका इफेक्ट होता है ना। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले डिफाइन किया रहोट्रिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, कि रहोट्रिक का मतलब ही परसुएसिव होता है ना। तो कोई स्पीकर होता है, क्योंकि पहले पब्लिक कम्युनिकेशन होते थे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसी को डिफाइन किया था इन्होंने कि कोई स्पीकर है, स्पीकर ने कोई स्पीच दी, वो कोई ओकेजन था उस पे दी, और वहाँ ऑडियंस थे, और उस ऑडियंस पे उसका क्या इफेक्ट हुआ। तो ये स्पीकर और ऑडियंस, ये सेंटर हो गया, ये स्पीकर हो गया। उसके बाद एक और मॉडल मैं आपको बताऊंगा, बस इसको बोलते हैं SMCR, ठीक है, हाँ डेविड बर्लो का मॉडल है ये, ठीक है। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो इसमें क्या है कि कोई सेंडर है, वो कोई क्या करेगा, कोई मैसेज भेजेगा, वो किसी चैनल के थ्रू जाएगा और वो रिसीवर के पास जाएगा। इसी मॉडल के ही सारी कम्युनिकेशन के मॉडल जो है ना कि घूमते हैं। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन की प्रोसेस है कि जैसे मैंने सिंक्रोनस मीडिया बताया, तो सिंक्रोनस मीडिया में जब इसने ये कुछ लिख रखा है, इसका कुछ मतलब होगा, क्योंकि सेंडर ने रिसीवर के पास गया, कोई ना कोई डाटा गया, और वो किसी चैनल के थ्रू गया होगा, ठीक है। विदाउट चैनल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है ना। चैनल यहाँ एयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है चैनल, है ना। अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन है, वो आप कम्युनिकेशन के टीचर से पढ़ना, नहीं तो कम्युनिकेशन की क्लास हो जाएगी। तो ए सिंक्रोनस में क्या होगा कि ए सिंक्रोनस में, जैसे इसने ब्रेक डाउन दे रखा ना, इस ब्रेक डाउन का मतलब है कि वो रियल टाइम में नहीं जा रहा है ना। उसमें आपको रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड करके पढ़ रहे हो, किसी ने बुक लिख दी, न्यूज़पेपर लिख दिया, वो अलग अलग टाइम पे आपके पास जाएगा। उसके बाद क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज है, लर्निंग कैटेगरीज ICT की। जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा होगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज है लर्निंग कैटेगरीज, तो मैं गलत बोलेगा शायद। तो इसमें क्या है कि ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग। तो मैंने अभी बताया था, तीन तरीके की वो बताई थी, फॉर्मल, इनफॉर्मल और
और नॉन फॉर्मल, है ना? ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम मैंने बताया था कि क्लासरूम वाला जो स्कूल होता है, और इनफॉर्मल फैमिली वाला, और नॉन फॉर्मल डिस्टेंस डिस्टेंस एजुकेशन, है ना? तो ई इन द व्यू ऑफ आईसीटी एजुकेशन कैन बी क्लासिफाइड मेन कैटेगरीज। तो सबसे पहले क्या, ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होती है, जैसे हम ऑनलाइन लर्निंग करते हो, पूरा 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 ई लर्निंग का पार्ट होता है, या ई बुक से पढ़े या किसी अलग चीज से पढ़े। सेकेंड होता है ब्लेंडेड, ये सबसे एमर्जिंग लर्निंग का मेथड है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है कि हाफ ऑफलाइन और हाफ ऑनलाइन, जो ब्लेंडेड मेथड है कोविड के बाद सबसे ज़्यादा जो बूम में आई, तो ये ब्लेंडेड लर्निंग आई, है ना? ये सबसे न्यूली कॉन्सेप्ट है आईसीटी का, और इसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जैसे हायर इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, आईडीज वगैरह में, तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो बताते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ क्लासेज तो उनकी ऑफलाइन चलती है और कुछ क्लासेज ऑनलाइन चलती है उनकी, है ना? तो ब्लेंडेड मोड में होता है कि हम भी तो क्या कर रहे हैं, अब मैं पढ़ाऊंगा, सर का समझ में नहीं, यूट्यूब पे देखते हैं कौन सबसे अच्छा पढ़ाता है, फिर यूट्यूब से जाके पढ़ोगे। तो क्या है कि वो एक ब्लेंडेड मोड है कि आपने यहाँ से भी पढ़ा, नहीं समझ में आया, फिर यूट्यूब से देखोगे, हाँ यूट्यूब पे ठीक ठाक है, वहाँ से काम चल जाएगा। तो ब्लेंडेड लर्निंग का पार्ट है ना? फिर है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग भी आईसीटी के थ्रू है। जैसे पहले तो क्या होता था, डिस्टेंस में एमडीयू में क्लासेज यहीं होती थी सैटरडे संडे को। अभी क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेज होती है डिस्टेंस के बच्चों के सभी की। तो वो क्या है कि आईसीटी की मदद से ही हो रहा है। और उसके बाद है इसमें सेल्फ पेस लर्निंग होती है, जो खुद पढ़ता है बच्चा। फेस टू फेस लर्निंग होती है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ, है ना, ऑफलाइन क्लासेज में। ये वैसे आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग में ये होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मेथड से, और डिस्कशन भी होते हैं इसमें। भाई आप, मैंने लेक्चर डाल दिया है यूट्यूब पे, आप देख के आना, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, है ना? ये उस तरीके की है। ब्लेंडेड मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस बता दिया। अब ये इम्पोर्टेंट है इसमें, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि डिजिटल इनिशिएटिव क्या है यार एजुकेशन की इंडिया में। तो एक ट्रम आती है कि मूक, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं इसको। हाँ, तो आपको मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मूक पे, और हर बार क्वेश्चन आता है, आज तक नहीं हुआ किसी पेपर में मूक का क्वेश्चन ना आया हो। एनटीए का सबसे, यूजीसी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, रिसर्च में एक्शन रिसर्च, और इसमें स्वयं और मूक, है ना? तो मूक का क्या फुल फॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब ये एस लगा हुआ ना, इसका मतलब है कोर्सेज। कोर्स एक नहीं होता ना, कोर्सेज फैसिलिटेट करता है। तो कोर्स भी आए तो भी ठीक कर देना, और कोर्सेज आए तो भी ठीक कर देना। अगर दोनों आ जाए, कोर्स भी लिखा है और कोर्सेज भी, तो फिर कोर्सेज पे जाना आप, है ना? तो कई बार हुआ था मेरे साथ ये कि कोर्सेज आ गया और कोर्स भी था, तो उसमें से एक ठीक करना था, है ना? तो कोर्सेज जाना, उसमें फिर स्वयं है। स्वयं जो मूक समझते हो, मूक तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। मूक एक बिगर टर्म है ना? मूक एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके नीचे स्वयं है, स्वयं पर बा है, अन अकेडमी है, बायजू है, सब उसके अंडर है, है ना? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हमें सिर्फ आईसीटी के थ्रू मिलते हैं। तो जैसे स्वयं, उसमें से एक इंडिया का इनिशिएटिव है, जैसे तो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं हर बार, है ना? तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना? तो इसकी हर बार फुल फॉर्म पूछते हैं। हो सकता है कि आप किसी में ना है, किसी दूसरे के क्या, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, एक्टिव लर्निंग के बाद आई थिंक फोर पाएगा, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है? इसको ASPIRING, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, है ना? तो मुझे यही बताना था कि ये इनिशिएटिव है, मूक है, MHRD स्वयं है, स्वयं पर बा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, तो इनके बारे में क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है? इसमें क्या है कि भाई, क्या है कि अफोर्डेबल
हाई क्वालिटी की इंक्लूसिव एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, कि भाई एम्प्लॉयबल हो एजुकेशन, वो हो रही है नहीं हो रही है वो अलग सवाल है, उस पर फिर कभी बात करेंगे, कि वो रोजगार दे भी पा रही है नहीं है, इंटरनेट का यूज स्मार्टफोन का ठीक है, और ये स्किलफुल अनस्किल, जो स्किल इंडिया का पूरा मूवमेंट चला उसके बाद क्या हुआ उस पर भी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये स्किल इंडिया का जो है ना कि 2014 में ये नरेंद्र मोदी ने हाँ ICT के थ्रू कहा था कि हम स्किल इंडिया, दो स्किल सेंटर भी खुले थे जगह जगह। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये आता है कि NMEICT, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछते हैं उनकी कि NMEICT क्या है। आप लिखो मत, आप बस समझो, आपके पास बुक है ना, तो बुक बुक नहीं है तो बुक खरीद लो, है ही नहीं पेपर वन की बुक, ऐसे कैसे काम चलेगा। बुक लो, बुक के बगैर काम नहीं चलेगा, चाहे आप PDF में रखो, लेकिन लो, लास्ट टाइम मैं किसी को पढ़ाता था, उसके पास बुक नहीं थी, लेकिन उसने किसी और से पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि जो नंबर नहीं आए ना फिर बताऊंगा, उसका JRF हुआ था फिर। तो इसमें क्या है कि, तो इसमें डायरेक्ट क्या है कि ये फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे क्वेश्चन में, NMEICT की फुल फॉर्म बताओ, क्योंकि ICT सारा फुल फॉर्म बेस है। तीन चार क्वेश्चन बनेंगे, एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर से बनेगा, जनरेशन में किस जनरेशन में क्या यूज हुआ, उसके बाद मेमोरी का क्वेश्चन हर बार आता है, हायरार्की ऑफ मेमोरी, कैचे मेमोरी, रजिस्टर, सेकेंडरी प्राइमरी, स्पीड क्या है, टाइम क्या है, SS टाइम क्या है, ये क्वेश्चन आता है। और सबसे आसान एक क्वेश्चन कन्वर्जन का आता है, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है, बहुत आसान यूनिट है, इसमें कुछ आपको नया नहीं सीखना, इसमें से पांच के पांच क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, है ना। तो इसमें नहीं, आप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था हायर एजुकेशन में, जिसके थ्रू उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक मिशन के तहत लिया था। तो इसकी आपको फुल फॉर्म वगैरह याद करनी है, जैसे कॉलेजेस में हमें वाईफाई मिलता है ना, आप MDU में होंगे, तो वो इसी का पार्ट है, कि आपको ये एक VPN नेटवर्क बोलते हैं, VPN की फुल फॉर्म होते हैं, VPN भी पूछ लेते हैं, यही चीज़ें आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये लिखा हुआ ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है कि वर्चुअली आपको जो नेटवर्क मिल रहा है, जैसे MDU का वर्चुअल नेटवर्क है, कोई इसको असेस नहीं कर सकता ना, जब तक MDU आप अपना ID पासवर्ड किसी को नहीं दोगे तो उसको कोई असेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये होता है। सेकंड इसमें है नैपटेल, नैपटेल का नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, इसके तहत भी जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है 7, जैसे IITs के मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की, ये साथ के साथ IITs ने मिलके इसको डेवलप किया था, है ना, अलोंग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ISC बेंगलोर, 2003 में इसको डेवलप किया था। तो इसी में वही थे कि बहुत सारे कोर्सेज इनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इंजीनियरिंग के, ऑनलाइन टीचिंग के, है ना, बहुत सारे कोर्सेज इसमें डेवलप किए। तो इसमें लिखा हुआ है एडिशनल 600 वेब वीडियो कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो बहुत सारी इसने जो है ना कि कोर्सेज लॉन्च किए। नेक्स्ट है इसमें स्वयं का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वयं से पहला क्वेश्चन आएगा कि स्वयं, स्वयं एक तो MOOC का पार्ट है, ये आएगी इसकी फुल फॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, है ना। आधा टाइम तो इसमें चला जाता है। इसमें क्या है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, उसके बाद आपको स्वयं की फुल फॉर्म याद रखनी है। स्वयं की फुल फॉर्म मैंने बता दिया, स्टडी वेब इफेक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स, है ना। उसके बाद इसमें अब की बार जो नया क्वेश्चन आया ना, इसमें यही है कि इसके प्रिंसिपल क्या है कि असेस इक्विटी एंड क्वालिटी एजुकेशन हमें मिले। उसमें जो इसमें अब की बार क्वेश्चन आया था, पिछले 2 साल से जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसके फोर क्वाड्रेंट क्या है, स्वयं के फोर क्वाड्रेंट क्या है, और वो बहुत आसान क्वाड्रेंट है। तो कई बार पूछ लेंगे इनमें से कौन सा क्वाड्रेंट स्वयं का नहीं है, कई बार पूछ लेंगे इनमें से कौन कौन से, मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे MSQ, कि इसमें से कौन कौन सा जो है ना कि क्वाड्रेंट स्वयं का है ना। तो इस तरीके से कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि इज ई कंटेंट इज ए क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं, तो वो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल सिलेक्टिव भी आ सकता है और ऑप्शन टाइप भी आ सकता है। तो पहला इसमें है वीडियो ट्यूटोरियल, तो स्वयं जिसका जब हम कोर्स खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें वीडियो कंटेंट मिलता है,
उसके बाद ई कंटेंट मिलता है। ई कंटेंट में सब है, पीडीएफ हो गया, वीडियो होगी, ऑडियो होगी, हमारे जो है कि मॉक टेस्ट हो गए, ये हो गए। थर्ड है इसमें सेल्फ असेसमेंट, जैसे क्विज वगैरह भी हम खुद असेसमेंट कर सकते हैं इसमें, क्विज वगैरह दे के। और फोर्थ है इसमें डिस्कशन फोरम है फॉर पोस्टिंग क्यूरीज। आप कोई भी जो आपका टीचर है, जो कोर्स है, उसको आप क्यूरी लिख के भेजे, वो आपको रिप्लाई करेगा। तो ये चार क्वाड्रेंट है स्वयं के, कौन कौन से है बताओ, वीडियो ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट में कई बार ये आ जाता है क्विजेज, असाइनमेंट, ये वगैरह, और डिस्कशन फोरम। ठीक है, अरे ट्यूटोरियल्स मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया, वो ट्यूटोरियल्स ही होते हैं जो रेगुलर क्लासेज होती है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट है ट्यूटोरियल्स का, तो जैसे 2 बजे तक कॉलेज होगा, उसके बाद ट्यूटोरियल्स लगते हैं उनके। ट्यूटोरियल्स का मतलब होता है कि आपको डिस्कशन का मौका मिलेगा, आपकी कोई प्रॉब्लम है ना वो लेके जाओ क्लास से। जैसे बहुत सारे स्कूलों में रिमीडियल क्लासेज होती थी, तो उसमें क्या होता है कि आपकी कोई भी डाउट है ना, तो वो डाउट आप क्लास में ट्यूटोरियल्स में पूछ सकते हो टीचर से कि ये मुझे क्लास में नहीं समझ में आया था, आप ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो। तो ट्यूटोरियल्स वही होते हैं जो हमारी जो डाउट्स होते हैं उसको उसमें मदद करते हैं, है ना। तो वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, आपने क्वेश्चन भेजा कि सर ये हमें तो समझ में नहीं आया मूक क्या है, तो मैं वीडियो बना के मूक पे डाल देता हूँ, तो आप देख लोगे, तो वो वीडियो ट्यूटोरियल्स हो गया, है ना। बेसिकली डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं उस, और कुछ नहीं है इसमें स्वयं में। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, स्वयं की फुल फॉर्म, मूक की फुल फॉर्म, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है ये, कभी दूसरी कंट्री का नाम आ जाए वहाँ टिक कराओ, फिर गलत हो जाएगा। और इसके चार के चार क्वाड्रेंट, ठीक है, NMEICT की फुल फॉर्म, नेपटेल की फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा। तो आपके घर पे केबल लगी हुई है किसी के घर, कभी देखिए केबल कैसी होती है, डिश है ना, DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस। तो उसमें कई बार है ना IITs के प्रोफेसर लेक्चर्स लेके आते हैं, आपने देखे होंगे 6th-7th क्लास के लिए, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है कोई, कभी देखे है चैनल चेंज करके टेलीविजन, हाँ। तो वो जो चैनल्स होते हैं ना, थैंक यू, जो वो चैनल्स होते हैं ना वो स्वयं पर बाके ही हैं। तो इसमें अभी चेंज हो गए, या आपकी नई बुक आई हो तो उसमें चेंज कर लेना, ये 34 चैनल हो गए हैं अब। हाँ ये तो अच्छी बात है। तो बुक में है ना, जो इसके पास थर्ड एडिशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई 32 DTH चैनल है, लेकिन ये चेंज हो गए, अभी 34 DTH चैनल हो गए हैं, ठीक है। ये दिन में 4 घंटे चलते हैं और 6 टाइम रिपीट होते हैं, है ना। तो 6 टाइम 4 6 4 24, तो पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है ना। तो इस तरीके से, तो स्वयं प्रभा के बारे में, स्वयं के बारे में आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो कोर्सेज के बारे में आएगा, और स्वयं प्रभा आएगा वो DTH 24x DTH चैनल है, जो एजुकेशनल वीडियोज आपके पास डायरेक्ट टू होम सर्विसेज उस पर आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है, इसमें वही है सारा, स्कूल का स्कूल एजुकेशन, 9th से लेकर 12th तक के क्लासेज होती है इसमें, और IIT PAL से चलता है ये। IIT PAL एक टेक्निक है फेज अल्टरनेटिंग लर्निंग की, हम आगे इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके लेक्चर्स चलते रहते हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। और ये ऑपरेट कहाँ से होता है, कई बार पूछ लेते हैं कि ये एक्टिव मतलब चलता कहाँ से है, इसका बेस कहाँ है। तो एक बाइजैक गांधीनगर है, जो सैटेलाइट है भास्कराचार्य सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बाइजैक गांधीनगर एंड ECIL हैदराबाद, ठीक है। तो बेसिकली मोस्टली जितना भी डिजिटल वो है ना, हमारा डिजिटल लाइब्रेरी हो, डिजिटल लर्निंग हो, नेड हो, उनके सभी के जो डिपो जो मेन हम एक तरीके से कैसे सुपर कंप्यूटर है ना, वो बाइजैक गांधीनगर में है, वहीं से ये सारे के सारे रन होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। टाइम हो जाएगा आपका, कितने बजे तक होती है क्लास, कितने बजे तक होती है? नहीं नहीं मर्जी नहीं, अगर नेक्स्ट क्लास कितने बजे है, ठीक है। मैं बस 1-2 चीज़ बता के ख़त्म करता हूँ, फिर बाकी कल करेंगे। तो इसमें NDL है, तो ये जो अलग अलग इनिशिएटिव्स है ना, ये कम से कम 30 के आसपास इनिशिएटिव हो गए, ये आपको बिल्कुल
याद रखने हैं, इनकी फुल फॉर्म वो होता क्या, बस इतना याद करना, उसी से क्वेश्चन आएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये देखो किसने, वही सारी बातें वही रिपीट होगी इसमें, NMEICT/MHRD, नेशनल मिशन ऑन हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ ना, इस स्पीड से याद होने चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो आएगी डायरेक्ट, ये भी MHRD का प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी 72 लाख डिजिटल बुक्स अवेलेबल है NDL पे, ठीक है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें बुक है, आप कभी ऑनलाइन जाना वहाँ से आप बुक डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक आपको यहाँ फ्री मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। उसके बाद है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, NAD क्या होता है कि NAD में आपके जो डॉक्यूमेंट है ना वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। तो आप कहीं जाओगे तो आपको जो मान ले ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है तो आप NAD को ओपन करके दिखा दो कि मेरा तो डिजिटली जो है ना कि डॉक्यूमेंट सेव है। ये भी एक MHRD का इनिशिएटिव है, हाँ हाँ इस तरीके से। तो NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है जहाँ आप अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ सबमिट कर सकते हो, मतलब रिपोजिटरी है एक तरीके से ये, ठीक है। और ई शोध सिंधु आपने सुना ही होगा, इसमें मोर देन 15,000 इंटरनेशनल जर्नल है, बुक्स है, जो रिसर्च के जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनके लिए काफ़ी है। तो ई शोध सिंधु, शोध गंगा और शोध सिंधु दो होते हैं, और ई शोध सिंधु ये भी इनिशिएटिव है। वर्चुअल लैब्स है कि जैसे बहुत सारी फिजिक्स की फिजिकल डिस्टेंसेज पे जो वहाँ नहीं पहुँच सकता, वर्चुअल जैसे कंप्यूटर बेस्ड लैब होती है वो आपको वहाँ पे ऑनलाइन मटेरियल्स ट्यूटोरियल्स आपके बहुत सारे कंटेंट कोर्सेज इस तरीके की चीज़ें आपको मिलती है। इतना आज हम करते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे कल। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चंस का स्वागत है, बताओ इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो। हाँ इसको पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा मेरा पढ़ाया हुआ, और आज ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाया तो 10 दिन बाद जाके पढ़ोगे, ठीक है। आपने क्या जो 7th पॉइंट में ई शोध सिंधु में दिया हुआ है, इन्फ्लिपनेट, इन्फ्लिपनेट तो ये है ना गांधीनगर, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये है इसकी फुल फॉर्म, IN जो है ना, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है जो गांधीनगर में सेंटर है, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ना, मैं पता नहीं क्या बता रहा था, दिमाग से निकल गया। हाँ आज ही पढ़ना, 10 दिन, मैं आपको बता रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड में एक वो है एडगार डेले, शायद मैं यही कराऊंगा, बस एडगार डेले है या पता नहीं क्या नाम, एडगार डेले है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस है उसका, आपने पढ़ा नहीं होगा ना। तो यही कहता है कि आपको सबसे ज़्यादा याद होता है जो आप खुद प्रैक्टिस करते हो, और 10% ही होता है जो मैंने पढ़ा है, आपको 10% याद रहेगा घर जाके, और 10 दिन आपने डिले कर दिया तो स्किप सब कुछ साफ, फिर नया दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन केयरफुली। आप बच्चों को समझ में आया ऑनलाइन जो ज्वाइन है? चलो थैंक यू, ये रुक आप ही करा दो। अच्छा आप ना अपने जो मैं ये कह रहा हूँ जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर है ना आप उनसे बात कीजिएगा, हम तो जस्ट फैसिलिटेटर है, मेरे पास टाइम कम है, मेरा रिसर्च का काम बहुत ज्यादा रहता है। कोई नहीं, देखते हैं पहले यूनिट करते हैं, क्या बता आपको समझ ही ना है, क्या बता अच्छा ना पढ़ाऊं तो वैसे ही छुट्टी मिल जाए मुझे, ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सर बहुत दिन से लगे हुए थे, 5-6 महीने से, सर क्लास ले लो क्लास ले लो, मैं 1-2 तो ले ही लेंगे सर, ठीक है आप सर से बात करो, आपका टाइम खत्म हो गया, आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ज्वाइन नहीं रहेगी क्या, मैं तो इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया ना, अच्छी बात है।
कल से छुट्टी हो जाएगी मेरी। सर आपको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा क्या हमें? नहीं ऐसी बात तो नहीं है। आप कह रहे हो अगर जो मेरा टीचिंग पैशन नहीं होता तो मैं इतने अच्छे तरीके से थोड़ा ना पढ़ाता। पढ़ाना मुझे पसंद है। ये रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास में। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप ऐसे नहीं बोल सकते क्लास में। कोई नहीं, देखते हैं जो भी हो। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी मेरा, मेरा लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था पीएचडी में। अभी मेरा डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, शायद सुना नहीं होगा ना। और कुछ और कोई क्वेश्चन? नो सर थैंक यू, बस एक रिक्वेस्ट ही है, बस आप टीचिंग और रिसर्च भी करवा दो। और कम्युनिकेशन भी बोल सकता है। कम्युनिकेशन एक बार मोटा मोटा रिवाइज करा दे। मैं ऐसा नहीं कर दूं 10 की 10 यूनिट करा दूं। अरे इतना टाइम नहीं है आपको, नहीं पता सर। अभी तो आपकी रिसर्च स्टार्ट हुई है, आपका जेआर भी तो है। तो फिर क्या हुआ? जैसे बच्चों को भला करना होता है ना, वो किसी भी टाइम। तो फिर मुझे ही थोड़ा ना करना है सबका भला। क्यों नहीं सर, बच्चों को आप थोड़े से पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को भला करने के लिए पढ़ा रहे हो या अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो सर? ये बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ना। आई एम वेरी ग्रीडी पर्सन। कोई नहीं, देखते हैं जैसा पॉसिबल होगा, है ना। आप पढ़ोगे नेट तो वैसे भी हो जाएगा आपका जेआरएफ, जो पढ़ाऊं बस वो पढ़ लेना। सर जेआरएफ सर एक यूनिट से कुछ नहीं होगा ना सर, एक यूनिट से थोड़ी ना जेआरएफ होगा। तो फिर आज ही थोड़ा ना होना था, ये आज से पहले कहाँ थे आप लोग? आप तो हमारे हमारे आए हो, आज ही आए हो आप। चलो ठीक है, देखते हैं। कितने स्टूडेंट हो आप टोटल? कितने स्टूडेंट हो क्लास में? अच्छा टोटल 10 to 12 स्टूडेंट है। चलो देखते हैं, करते हैं विचार, ठीक है। मैं नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वादे नहीं करूंगा कि अच्छे सच्चे वादे कि अच्छे दिन आएंगे। आ गए तो तुम्हारी किस्मत, नहीं आए तो फिर हम कुछ नहीं करते। अरे खान सर तो ग्रेट है, हम ग्रेट थोड़ा ना है। ठीक है चलो, मुझे जाना है, थैंक यू। अरे पहले ये तो कर लो कि आप आपको समझ में नहीं आए। हां ऐसे तो भी बोलना है। ठीक है सोचते हैं इस बारे पहले ये में कर लेते हैं। तो आप इस टाइम तो होंगे तो कल इस टाइम पढ़ा रहे हैं जैसे आप।